सब सॉइलर एक इक्विपमेंट है, वो भी ट्रैक्टर ऑपरेटेड ही है। तो आप इसको 6 से 8 मीटर दूरी पर स्लोप की विपरीत दिशा में आपको बुआई के पहले इसको चलाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, जो भी आपका बारिश की पानी जो है वो रसा होकर आपके खेत के अंदर ही चले जाएगा। अब जानते हैं कि बुआई की पद्धति में हमको क्या परिवर्तन लाना है। जैसा मैं जानता हूँ कि 70 से 80% जो किसान जो है वो नॉर्मल सीडिंग ले के प्लाट बेड में सोइंग कर देते हैं। ऐसे करने से क्या होगा, जब भी ज़्यादा बारिश गिरता है अतिवर्षी या कंटिन्यूस फ्लडिंग की वजह से, ऑक्सीजन की कमियों को वजह से सोयाबीन की जो पौधा है वो मरने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। और कम बारिश होने से या कंटिन्यूस 15 से 20 दिन तक बारिश नहीं आता तो सूखे पड़ जाता है। तब वो मिट्टी के अंदर नमी की कमी की वजह से सोयाबीन की पौधा जो है वो मरने का बहुत चांसेस रहता है। ये दोनों एक्सट्रीम कंडीशन को हमको रोकने के लिए हमको बुआई की पद्धति में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है।